नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो के साथ मैं निखिल दुबे और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें सबसे पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो आइए समझते हैं सबसे पहली चीज कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए गुणधर्म वाले किसी दूसरे पदार्थ का अथवा दो से अधिक या फिर एक अथवा एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह होती है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर हमको जल बनाना हो तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं तो फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, जल। जैसे कि हम लोगों ने जो उदाहरण लिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बहुत ज्वलनशील गैसें हैं, मतलब कि उनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। लेकिन जो इनसे मिलकर जो भी पदार्थ बनता है, जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो जल आग बुझाता है ना कि आग लगाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा नए गुणधर्म वाले पदार्थ ही रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें प्राप्त होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो कि पूर्ण हो चुकी है उसको हम भौतिक विधियों के द्वारा कभी भी उल्टा नहीं कर सकते हैं, मतलब कभी भी हम उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी भौतिक विधियाँ होती हैं जैसे वाष्पीकरण या फिर ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रीकरण, इन सबको हम लोग कक्षा 9 में पीछे पढ़ के आए हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो संक्षेप में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम कभी भी भौतिक विधियों द्वारा उल्टा नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें चार चीज़ें जरूर शामिल होती हैं। उसमें सबसे पहली है अवस्था परिवर्तन, कि हमेशा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले जिस अवस्था में रहेगी, तो जब वह रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो वह अपनी अवस्था को बदल देगी। जैसे कि अगर वह ठोस में है तो गैस में, या फिर ठोस में है तो द्रव में, या फिर गैस में है तो ठोस में, गैस में है तो द्रव में, मतलब हमेशा वह अपनी अवस्था को बदल देती है। और दूसरा है रंग में परिवर्तन। इसके अकॉर्डिंग ये बात होती है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है तो पूर्ण होने से पहले उसमें जो भी पदार्थ शामिल होते हैं उनका रंग और रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद जो हमारा उत्पाद हमको प्राप्त होता है या फिर जो भी पदार्थ प्राप्त होता है उसका रंग भिन्न हो जाता है। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि तापमान में परिवर्तन। कहने का मतलब ये है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व उसमें जो भी पदार्थ शामिल होते हैं उनका तापमान अलग होता है, और जो पदार्थ हमको रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त होते हैं उनका भी तापमान अलग होता है। और इसमें चौथा और अंतिम कारण जो कि शामिल है वो है गैस का उत्सर्जन। गैस के उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसमें से कोई भी गैस बाहर निकल सकती है। हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उस जो भी हम खाते हैं उस भोजन का हमारे पेट में पाचन होता है, तो जो भोजन का पाचन होता है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम श्वसन करते हैं या फिर हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगती है। जैसे अभी किसी भी लोहे को बाहर खुला रख दिया जाए तो उसमें क्या होता है, कुछ समय बाद जंग लगना शुरू हो जाती है। तो यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, आगे मैं समझाऊँगा कि इस प्रक्रिया में होता क्या है, और ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध रखा जाता है घर पे और क्या होता है कि दूध कुछ समय बाद दही में परिवर्तित हो जाता है, तो दूध का दही में बनना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है।
रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक होते हैं अभिकारक और दूसरे होते हैं उत्पाद। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और उनके मिलने के बाद जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल का निर्माण होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं और जो हमें जल प्राप्त होता है वो हमारा उत्पाद है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। पहले रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें जो भी अभिकारक और उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं तो हम उनका असली नाम ना लिखकर हम उनके संकेतों को लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का संकेत होता है H, हीलियम का होता है HE, लिथियम का LI, बेरिलियम का BE, बोरान का B, ये सब आपने पिछली कक्षाओं में अपने अध्यापकों द्वारा सीखा होगा या फिर किताब में आपने पढ़ा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण। भौतिक अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव, गैस या फिर जलीय। ठोस को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। तो जब हमें इनकी भौतिक अवस्थाओं को दिखाना होता है तो हम स्मॉल s लिखते हैं। जब द्रव की भौतिक अवस्था को दिखाना होता है तो स्मॉल l लिखते हैं। जब गैस की अवस्था को दिखाना होता है तो स्मॉल g लिखते हैं। और जब किसी जलीय विलयन को दिखाना होता है तो वहाँ पर हम AQ लिखते हैं छोटे अक्षरों में। हम लोगों की NCERT किताब में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो हमें जो रासायनिक समीकरण बनाना है उसमें हम सबसे पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संकेतों को लिखते हैं। तो मैग्नीशियम को हमने क्या लिखा, Mg, और ऑक्सीजन को O2। अभी मैंने O2 लिखा है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसके बाद हमें जब उसमें अभिक्रिया होती है, जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है MgO2। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसमें बीच में एक एरो लगाया हुआ है, तो जो एरो के नोक वाला सिर होता है, जो उस तीर का नोक वाला सिर होता है उधर बनता है हमारा उत्पाद, और जो उस एरो के पूंछ वाला भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, हमारे अभिकारक। मतलब इस तीर के बाईं तरफ जो भी पदार्थ रहेंगे वो हमारे अभिकारक होंगे और इस तीर के दाईं तरफ जो भी पदार्थ बनेंगे वो हमारे उत्पाद होंगे। अभी भी इस समीकरण में एक कमी है कि हम लोगों ने इनकी अवस्थाओं को नहीं लिखा है, तो आइए इनकी अवस्थाओं को भी लिख देते हैं। हमारा जो मैग्नीशियम बैंड होता है वो ठोस होता है, ठोस को हम लोग क्या लिखते हैं, सॉलिड। सॉलिड का मतलब यस। ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन को हम लोग जी लिखेंगे, और जब इसमें रिएक्शन होगी यानी अभिक्रिया होगी तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि एक सॉलिड है। सॉलिड का मतलब यस। अब आप लोग इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में कल हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।